मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि ये लोग सब सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं कि किरण खेर कहाँ है, किरण खेर कहाँ है, उनको पता लग जाएगा अपने आप ही कि मैं यहीं पर हूं। लेकिन आज मैं ये करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दिखावा करना जरूरी है, जबकि मैं यहीं पर हूं, चंडीगढ़ में हूं पहले दिन से, और सबको ये पता होना चाहिए था कि मैं यहां पर हूं, क्योंकि सबको पता है, प्रशासन में सबको पता है, डीजीपी साहब को पता है जिन्होंने एस्कॉर्ट भेजी थी मुझे दिल्ली से यहाँ लाने के लिए, डीसी साहब को पता है जिन्होंने पास भेजे थे, क्योंकि चारों जगह पे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन फिर भी आज मजबूर होकर मैंने कहा कि मैं आपसे मुखातिब हो ही जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है, इस समय में पॉलिटिक्स करना अच्छी बात नहीं। हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंच सकें, आप लोगों तक वो सामान पहुंचा सकें जिसकी आप लोगों को जरूरत है। स्पेशली जो गरीब लोग हैं शहर में, जिनको राशन की, जिनको खाने की जरूरत है, फिर भी सोशल मीडिया पर घर में बैठकर सोशल मीडिया पर गॉसिप कर रहे हैं और मेरे को निशाना बनाकर बहुत कुछ लिख रहे हैं। यही कहना चाहूंगी कि दिखना जरूरी नहीं, ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन में मतलब आपको अपने घर में लॉकडाउन रहना है, ना किसी को अंदर आने देना है, ना ही खुद बाहर जाना है। ये जरूरी नहीं कि जो लोग लॉकडाउन में हैं वो काम नहीं कर रहे या वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे। मैंने अपनी 2 साल की सांसद निधि मतलब 10 करोड़ पूरे सरकार को दे दिए। उससे पहले 1 करोड़ मैंने दिया है हमारे 32 सेक्टर के हॉस्पिटल को, उन्होंने उससे अनेक चीजें, मास्क, पीपीई किट्स, वो वेंटिलेटर, सब कुछ खरीद भी लिया है लोगों के लिए। आए दिन हम लोग पैसे इकट्ठे करके लंगर चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटियर्स हैं जो ये काम करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो सारा काम है हमको प्रशासन के साथ मिलकर करना है, क्योंकि नोडल एजेंसी प्रशासन है, उन्होंने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं हर जगह में। हमारे काउंसलर्स हर अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बाहर जाकर फोटो खींचकर आपको दिखाना है कि देखिए दीजिए साथ, जो घर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ मेरी निंदा कर रहे हैं, थोड़ा सा दान आप भी दे दीजिए ताकि कुछ और लंगर हम लोग चला सकें, कुछ और लंगर गरीबों में बांट सकें, इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। इन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे शहर में इतना काम किया। मैं एडवाइजर साहब के साथ, गवर्नर साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के साथ, सबके साथ रोजाना टच में। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं उन तक पहुंचाती हूं और वो तुरंत उसका प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं और लोगों तक चीजें पहुंचा देते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम माई हार्ट कि बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं चंडीगढ़ में। आपको पता है चंडीगढ़ कंटेनमेंट जोन बन चुका है इस वक्त, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। हमारे पुलिस कर्मी, हमारे जो डॉक्टर हैं, नर्से हैं, जो वार्ड बॉयज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, सब दिल से काम कर रहे हैं और वो लोग फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे। तो मुझे लगता है कि ये प्रूव करने के लिए आपको कि मैं पहले दिन से चंडीगढ़ में हूं और पहले दिन से सबके साथ मिलकर काम कर रही हूं, ये प्रूव करना जरूरी नहीं है। कहां जा सकते थे हम? 23 तारीख तक तो हम लोग को बजट पास करना था, 3 लाइन वेब थी पार्लियामेंट में, अगले दिन से सब फ्लाइटें बंद हो गई, कहीं नहीं जा सके। तो मैं तो चंडीगढ़ में ही हूं तब से, और घर बैठकर क्या करूंगी सिवाय टेलीफोन पर कोऑर्डिनेशन करने के। अगर मैं बाहर जाकर खाना बांटते हुए 4 फोटो में डाल दूं, उसका क्या मतलब? खाना पहुंचे उन लोगों पर, वो काम करवाना ज्यादा जरूरी। सो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये समय है जब आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, तो दिल खोलकर योगदान दीजिए। और हाँ,
जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे जरूर डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी कि मैं यही हूँ। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।